5:30 को ऑफिस खत्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया था क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का फोन आया था जिसने मुझे राजा रानी वाड़ा पाव की शॉप के सामने मलाड में रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए उसने कहा था तुम रुकना साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा एक साथ की शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए पेरेली कुछ लोहे के एंगल लगाए हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। एक 70-72 साल का बुजुर्ग आदमी आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे मेले धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया क्योंकि मैं लोहे के एंगल्स पर 3-4 फुट ऊंचाई पर बैठा था। उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला बेटा एक वड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे रोजाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपने जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 50 रुपए कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा नहीं बेटा पैसे मत दो, बस एक वड़ा पाव लाकर दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर मैं राजा रानी वड़ा पाव की दुकान में गया और एक वड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर वड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले ऊपर मत बैठो गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी दो निवाले अच्छे से खा जाएंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारे जितनी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज, बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली, उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गवार लगते हैं इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यही मुंबई में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फोन आया था, कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है उसे, बीवी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़े बूढ़ी को मिलने के लिए, अब इतने दूर प्रदेश जा रहा है एक बार मिलने के लिए आओ बोला तो अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है कहता है, अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर उसे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, सेंटा क्रूज में है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा लेकिन परसों जब बेटे का फोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था मुझे, लगता है यह फोन भी खराब हो गया है, फोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ मुंबई, कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखे, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा आपने नहीं लगा के देखा फोन बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फोन, कोई फोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने कहा। मैंने रिसीव कॉल में जाकर कर आखिरी आए नंबर पर कॉल किया, 2 रिंग से बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी, उसमें जहां हम बैठे थे वही का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप के दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहां आ गया और बोला चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे के तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाए और आंटी भी आपका इंतजार करती होगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आई, आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे।
घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में यह डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डब्बे में? मोतीचूर के लड्डू है, मेरे बेटे के पसंद के, उसके माँ ने भेजे है उसके लिए खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी खंजर से मेरे दिल को चीर कर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वही बैठा रहा। ये भाई चल ना, देर हो रही है, मेरे दोस्त की आवाज कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया, रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था। एक वड़ा पाव की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार,